तो जनाब सावन के इस पवित्र सोमवार में मैं पहुंच चुका हूँ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक क्षिप्रा नदी किनारे बसे हुए महाकाल की नगरी उज्जैन में। तो गाइस मैं आ चुका हूँ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर। तो भाई साहब कहानी ना स्टार्ट यहाँ से नहीं होती है, कहानी स्टार्ट होती है यहाँ से। संडे की देर रात वीडियो एडिटिंग करने के बाद मैं अपना लैपटॉप बंद करके सो जाता हूँ और अपने सपनों और ख्यालों में खो जाता हूँ। मैं भूल जाता हूँ कि सुबह उठ के मुझे ऑफिस भी जाना है। अगर मैं ऑफिस जाने के लिए लेट ही हो गया हूँ तो मेरे दिमाग में ख्याल आता है क्यों ना सावन का सोमवार है तो महादेव के दर्शन करने चला जाए उज्जैन। वैसे तो इंदौर से उज्जैन की दूरी मात्र 56 किलोमीटर, वो आपको उज्जैन पहुँचने में 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है। कहाँ जाएगी? मंदिर जाएगी, मंदिर जाएगी। बहुत पानी। कितने रुपए ले रहे हैं महाकाल? 21,000। 50 रुपये होंगे, जयपुर बुक ना कर लेंगे। भाई साहब मैं इंदौर से बस द्वारा उज्जैन पहुंच जाता हूं, लेकिन अभी भी उज्जैन बस स्टैंड से महाकाल की दूरी 5 किलोमीटर है। आज सावन का सोमवार होने के कारण आज श्रद्धालु की भीड़ भी काफी ज्यादा हो रही है, इसलिए ऑटो रिक्शा वाले काफी ज्यादा पैसा वसूल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं रेपिडो बुक करने की कोशिश करता हूं, लेकिन आज ना रेपिडो बुक हो रही थी ना पानी रुकने का नाम ले रहा। किसी तरह मैं 20 रुपए देकर महाकाल मंदिर के 2 किलोमीटर पहुँच जाता हूँ। मैं आ चुका हूँ महाकाल की नगरी उज्जैन में। तो आज सोमवार है तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है, क्योंकि हमें 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर पहले उतार दिया गया है। अंदर ऑटो जाना पाबंदी है तो पैदल ही जा रहे हैं ब्रिज से, और बहुत भीड़ दिख रही है। आज सावन है, पानी इतना गिर रहा है, इतना पानी गिरा बस में था तब पानी बहुत गिर रहा था। जब बस उतरा उज्जैन बस स्टैंड तब भी पानी बहुत ज़्यादा गिर रहा था। अभी मैं किसी तरह ऑटो में बैठ के आया हूँ जिस पर देख के और जा रहे हैं। महाकालेश्वर जाने के लिए 2 रास्ते हैं, बीच वाले से जा सकते हैं जो मार्केट होके जाएगा, और इस रास्ते से जा सकते हैं जहाँ जो लेफ्ट से जाता है सीधे। यहाँ से 1 किलोमीटर पड़ेगा, उधर से 1 किलोमीटर पड़ने वाला है। तो मिलते हैं मंदिर पे। अपना स्लीपर रिमूव करके मैं निकल पड़ा हूँ भगवान जी के दर्शन करने, और काफ़ी ज़्यादा भीड़ क्राउड देखने को मिल रहे हैं मुझे आज ये सामने। तो अगर आपको सीख दर्शन करना है तो टिकट काउंटर पे आकर टिकट कटा के सीख दर्शन कर सकते हैं। वहीं के पीछे मेरे पीछे है टिकट काउंटर, जो आप सीख दर्शन कर सकते हैं, ज़रा टाइम नहीं लगेगा। और अब लड्डू प्रसाद खरीदना हो तो आज का यहाँ पे लिखा हुआ है लड्डू प्रसाद के लिए 100 ग्राम 50 रुपये, 200 ग्राम 100 रुपये, 500 ग्राम 200 रुपये, और 1 किलो का 400 रुपये। तो लड्डू प्रसाद आपको मिल जाएगा, और टिकट काउंटर है तो आपको टिकट कटा के सीख प्रवेश कर सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं भगवान के। और मैं जा रहा हूँ यहाँ से लाइन लगा कर अब सीधे भगवान के दर्शन के लिए। तो जस्ट दर्शन की लाइन से हम निकल पड़े हैं, ये लाइन जा रही है और लाइन जाएगी महालोक के साइड ही साइड निकलेंगे हम लोग, जहाँ पे भगवान शिव के 108 मूर्तियाँ बनी हुई है। सबसे पहले मैं महाकाल लोक घूमना पसंद करता हूँ। महाकाल लोक में भगवान शिव के 190 रूपों का चित्रण किया गया, चाहे योगी रूप हो, चाहे रुद्र रूप हो, चाहे तांडव रूप हो, चाहे त्रिपुरा सुरबध हो, ये सब मंथन हो। इसके साथ साथ देवी देवताओं के अद्भुत प्रतिमाएं भी बनाई गई हैं। महाकाल लोक में भगवान शिव, देवी, सत्य और दूसरे धार्मिक किस्सों से जुड़ी करीब 200 मूर्तियां बनाई गई हैं। महाकाल लोक में 108 विशाल स्तंभ बनाए गए हैं, इन पर महादेवी पार्वती समेत उनके परिवार के चित्र उकेरे गए हैं। ये महाकाल लोक 900 मीटर लंबा और 20 हेक्टेयर में फैला हुआ है। और ये मंदिर का द्वार है सामने, जहाँ से आप
काल जी के दर्शन करेंगे अंदर जाके। और हम लोग अभी महालोक में, हम लोग भी महालोक में हैं, आप अंदर जाके दर्शन कर सकते हैं यहाँ से। उसको घूम के जाना पड़ेगा यहाँ पूरा घूम के एकदम, और दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं दर्शन करने। आज सावन का सोमवार है तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे दर्शन करने के लिए। ये कहा जाता है ये महाकाल जी की जो मंदिर है वो द्वापर युग के पहले का मंदिर है। और ये भी कहा जाता है भगवान कृष्ण यहाँ पे शिक्षा प्राप्त करने आए थे, तब उन्होंने यहाँ पे भगवान महाकाल जी के लिए स्तुति गीत गाया था। तो अभी मैं महाकाल कॉरिडोर घूम रहा था, महालोक जिसे कहते हैं, और बेहतरीन जो बना हुआ है। और यहाँ पे किसी प्रकार की चार्जेस नहीं है, आप आगे सीधे घूम सकते हैं। और आज तो भीड़ काफ़ी दिख रही है क्योंकि सोमवार है और सावन का भी। तो यहाँ पे देवी देवताओं की मूर्ति बनी हुई है। भगवान महाकाल जी के दर्शन के बाद चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य की मूर्ति देखने निकल पड़ता हूँ, जो मंदिर के पास ही स्थित है। दूधसागर झील के बीच में बना हुआ है विक्रमादित्य, जिसे विक्रम सेन के नाम से भी जाना जाता है। ये भारतीय उपमहाद्वीप के सम्राट थे। इनके साम्राज्य में भारतीय उपमहाद्वीप का एक बड़ा हिस्सा शामिल था। पश्चिम में वर्तमान सऊदी अरब से लेकर पूर्व में वर्तमान चीन तक फैला हुआ था। की राजधानी उज्जैन थी, और आप इनके बारे में और भी डिटेल यहाँ आकर जान सकते हैं। जस्ट अभी महाकाल के दर्शन करके और अपने स्लीपर पहन के निकल पड़ा हूँ। अब मैं जा रहा हूँ राम मंदिर, सॉरी राम घाट जा रहा हूँ। अब राम घाट देख के व्यू कैप्चर करता हूँ कैसे हैं। बाकी दर्शन तो बेहतरीन हुए, बहुत बेहतरीन दर्शन हुए। शासन की सुविधाएं बेहतरीन थी इसलिए काफ़ी अच्छे दर्शन हो गया। काफ़ी भीड़ थी फिर भी बहुत बेहतरीन दर्शन हुए आज। और अब जा रहा हूँ मैं राम घाट। काफ़ी जो सेल्फी ली जा रही है भोलेनाथ जी, कोई मतलब बन के आए हैं, दूर दूर से लोग आते हैं भगवान जी के दर्शन करने, तो कुछ लोग भगवान जी के रूप लेके मतलब बन के आते हैं। अपन चल चल के राम घाट पहुँच चुका हूँ। राम घाट, आप राम घाट व्यू दिखाते हैं, बहुत प्यारे, बहुत प्यारा घाट है। यहीं आके लोग नहा स्नान करते हैं, भोलेनाथ के फिर दर्शन करते हैं, पहले ही आके स्नान करने। यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं, आपको कथा कराना हो या कि पूजा कराना हो तो आप यहाँ करा सकते हैं। आज का दिन मेरे लिए काफी खास था, मैं ऑफिस जाने के लिए जरूर लेट हो जाता हूँ, लेकिन इसी बहाने मैं उज्जैन जाने के लिए प्लान करता हूँ। मुझे भगवान महाकाल जी के दर्शन भी अच्छे से हो जाते हैं और मैं सही टाइम पे राम घाट भी पहुँच जाता हूँ। मुझे राम घाट में व्यू के अलावा शिप्रा माता की आरती में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ये सब मेरे लिए पहली बार था। कुछ चीजें जैसे पहले से ही लिखा होता है, हर 12 साल में सिंहस्थ महाकुंभ का आयोजन किया जाता है, जहां श्रद्धालु आकर छिप्रा माता की नदी में स्नान कर अपने सारे पापों से मुक्ति पाते हैं। मैं कुछ टाइम के लिए यहीं बैठना पसंद करता हूं और नदी की लहरों में कहीं खो जाता हूं। हमेशा की तरह आज फिर मुझे मालूम पड़ता है कि आध्यात्मिक प्लेस में आकर ही मन को शांति मिलती है। राम घाट से निकल कर मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ मार्केट तरफ। तो यहाँ पे मार्केट है, आपको कपड़े मिल जाएंगे, प्रसाद मिल जाएगा। तो ये पूरा मार्केट है, साइड साइड मार्केट है, चाय की दुकानें हैं, खाने के होटल हैं वगैरह, और मोस्टली खाने पीने के होटल हैं यहाँ पे, धर्मशाला है यहाँ पे साइड पे। ये सब मंदिर के पास ही है, महाकाल मंदिर के पास ही है, इधर मंदिर है इधर इस साइड, और मैं इसके राउंड राउंड जा रहा हूँ जहाँ पे मार्केट है।
यहाँ का तो यहाँ पे दिखते हैं कैमरा चालीस हज़ार का तो कितने का आता है ये अरे ये कितने का आता है तो अपन एक रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं जहाँ आप बेहतरीन खाना खा सके कोई अच्छा सा क्योंकि सुबह से भूख लगी है और सुबह से कुछ नहीं खाया सुबह बस नाश्ता किया था और निकल गया था मैं तब से टाइम ही नहीं मिला अपन को तो रात के 9 बज गए हैं और उज्जैन में हूँ महाकाल मंदिर के बाहर ही हूँ।